मैं हूँ आपका खासम खास दोस्त अमरजीत यादव और आज हम इस समय गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने स्थित पंडित गोविंद बल्लभ पंत पार्क के पास हैं और आप इस समय उसके फ्रंट व्यू को देख रहे हैं। आज हम इस पार्क के बारे में जानेंगे और देखेंगे। ये इस पार्क का प्रवेश द्वार है जो कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा है और इसी क्रम में आगे चलते हैं और देखते हैं अंदर इस पार्क में क्या क्या मनोरंजन के साधन हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये देखिए इसमें सबसे पहले चारों तरफ ये वॉकिंग फुटपाथ दिया हुआ है, ये देख सकते हैं जो कि आप दूर दूर तक है। इस पार्क के चारों तरफ टहलने के लिए वॉकिंग पार्क दिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत, और इसकी खासियत ये है कि हरा भरा और स्वच्छ वातावरण युक्त, ऑक्सीजन युक्त आप कह सकते हैं यह पार्क की विशेषता होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यह फुटपाथ इस पार्क के चारों तरफ दिया हुआ है जो कि हमारे टहलने के लिए व्यवस्थित किया गया है। चलते हैं इस पार्क में और देखते हैं कि बच्चों के लिए क्या क्या इस पार्क में दिया हुआ है। आइए बढ़ते हैं। ये देखिए सबसे पहला ये स्लाइड के लिए, बच्चों के लिए स्लाइड के लिए दिया हुआ है। ये देखिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज के लिए आधुनिक मशीन, देखिए जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और आगे चलते हैं, देखते हैं इस पार्क के बीचों बीच में क्या है। ये देखिए बीच पार्क के बीच में ये आपको बैठने की व्यवस्था की गई है जिससे कि लोग यहाँ पे आराम कर सके। देखिए और इसी क्रम में यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए स्लाइडिंग का पूरा व्यवस्था। यहाँ पे हरे भरे वातावरण युक्त यह पार्क, तो इसी क्रम में चलते हैं आपको इस पार्क के चारों तरफ का दृश्य आप देख सकते हैं। यह पार्क कितना हरा भरा है। ये देखिए यहाँ पे बच्चों के झूलों की व्यवस्था की गई है। देखते हैं कि यह पार्क कितना बड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्क के चारों तरफ फुटपाथ दिया हुआ है जो कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप इस फुटपाथ के माध्यम से सुबह सुबह टहल सकते हैं। ये देखिए बड़ा पार्क, ये बड़ा पार्क है। ये देखिए पार्क के बीचों बीच में झरनों की व्यवस्था की गई है जिससे इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। ये बड़ा पार्क जैसा कि आप देख रहे हैं हरियाली से भरपूर पार्क। देखिए तो दोस्तों
अभी पार्क का आउटर फेस। अब हम लोग निकलते हुए जय हिंद जय भारत।